नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। दोस्तों, जी हां दोस्तों, हम आप सभी से बात कर रहे हैं आजकल कुछ एक औषधियों के बारे में। दोस्तों, जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में। लौंग का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है दोस्तों, क्योंकि किसी भी पूजा अनुष्ठान में लौंग का जोड़ा अर्पित किया जाता है। दोस्तों, लौंग को घी के साथ मिलाकर पूजा करते हैं। दोस्तों, लौंग को सुगंधित होने के कारण सभी स्त्री पुरुष पसंद नहीं करते हैं। लौंग से बहुत से प्राकृतिक औषधियां बनती हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं आज उनके बारे में। नंबर वन, लौंग को पानी के साथ पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से खसरे के रोग में बहुत ही लाभ होता है। दोस्तों, नंबर टू, लौंग और हरड़ को पानी में खूब देर तक उबालकर क्वाथ यानी कि काढ़ा बनाकर थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पीने से अजीर्ण में बहुत ही फायदा होता है। दोस्तों, नंबर थ्री, लौंग को पानी के साथ पीसकर सिर और कनपट्टियों पर लेप करने से स्नायविक यानी कि मस्तक शूल खत्म होता है। दोस्तों, बस व रेल में लंबे सफर के समय अगर आपको मिचली या उल्टी होने लगे तो एक लौंग मुंह में रख करके बैठ जाएं। दोस्तों, मिचली यानी बंद हो जाएगी। नंबर फोर, लौंग को 200 ग्राम पानी में देर तक उबालें, 50 ग्राम पानी बाकी रह जाने पर उसे छानकर पीने से वायु विकार और पेट दर्द शांत हो जाता है। दोस्तों, नंबर फाइव, लौंग के तेल की सिर पर मालिश करने से सिर दर्द खत्म हो जाता है। दोस्तों, नंबर सिक्स, लौंग और हल्दी को पीस कर लगाने से नासूर में बहुत फायदा होता है। नंबर सेवन, लौंग को जल में उबालकर छानकर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने से हैजे की विकृति में उल्टी का प्रकोप शांत होता है, मूत्र अधिक निष्कासित होता है। दोस्तों, नंबर एट, लौंग को आग पर भूनकर कूट पीसकर चूर्ण बनाकर मधु मिलाकर चाटने से कुकुर्क खांसी यानी कि काली खांसी में बहुत ही लाभ होता है। दोस्तों, नंबर नाइन, शरीर के किसी भी भाग पर शोध होने पर लौंग का तेल मलने से भी चमत्कारिक लाभ होता है। नंबर टेन, लौंग को मुंह में रखकर उसका रस चूसने से खांसी खत्म होती है। जब तक मुंह में लौंग रहती है तब तक खांसी बंद रहती है। दोस्तों, नंबर 11, लौंग को मुंह में रखकर चूसने से मुंह और श्वास की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 12, लौंग के तेल की कुछ बूंदें किसी स्वच्छ कपड़े के टुकड़े पर टपकाकर उस कपड़े को बार बार सूंघने से प्रतिक्षय यानी कि जुकाम की समस्या ठीक हो जाती है। साथ ही नाक भी बंद नहीं होता है और नाक अगर बंद हो तो खुल जाती है। दोस्तों, नंबर 13, लौंग को पानी के साथ पीसकर 100 ग्राम पानी में मिलाकर छानकर मिश्री मिलाकर पीने से हृदय की जलन विकृति दूर होती है, पेट में जलन होना बंद हो जाता है। दोस्तों, नंबर 14, वात विकार व संधिशूल यानी कि जोड़ों के दर्द में लौंग का तेल मलने से पीड़ा खत्म होती है। दोस्तों, नंबर 15, लौंग को पानी के साथ पीसकर हल्के गर्म पानी में मिलाकर पीने से जी मिचलाना बंद हो जाता है और ज़्यादा प्यास लगना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, नंबर 16, लौंग के तेल की एक दो बूंदें बताशे पर डालकर खाने से हैजे की विकृति दूर हो जाती है। नंबर 17, लौंग को बकरी के दूध में घिसकर नेत्रों में काजल की तरह लगाने से रतौंधी रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, नंबर 18, लौंग और चिरायता दोनों बराबर मात्रा में पानी के साथ पीसकर पिलाने से बुखार खत्म हो जाता है। दोस्तों, नंबर 19, एक रत्ती लौंग को पीसकर मिश्री की चाशनी में मिलाकर चाटकर खिलाने से गर्भवती स्त्री की उल्टियां बंद हो जाती हैं। दोस्तों, लौंग जीवन शक्ति के कोषों को पोषण करता है, इसी कारण लौंग टीबी और बुखार में एंटीबायोटिक का काम करता है। दोस्तों, यह रक्त शोधक और कीटाणु नाशक होता है। लौंग में मुंह आते और आमाशय में रहने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं व सड़न को रोकने के
गुण पाए जाते हैं दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि एक लौंग हमारे लिए किस प्रकार से लाभप्रद साबित होती है हमारे जीवन में। अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के या फिर किसी नई अन्य औषधि को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।